कपड़ा नहीं पहन सकते। अभी भी आप चले जाइए कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, शादी में दलित परिवार का लड़का अगर घोड़ी पे बैठता है तो मारा पीटी करके उसको भगा दिया जाता है। हो दलित हो आदिवासी, भाई सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इनके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों को जो है लड़ने की जरूरत है। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, जो है कमजोर है, कौन जाति का लोग भूमिहीन है, कौन जाति का लोग जो है कचरा धोता है, कौन जाति का लोग जो है मजदूरी करता है, नाला साफ करता है, एक कमरा में बसर करता है, भीख मांगता है, ये सारा जानकारी जो है प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने के बाद उन लोगों के लिए जो है हम लोग कल्याणकारी योजना ला करके उसी हिसाब से उनको मुख्य धारा में लाने का हम लोग पुरजोर हमारी सरकार जो है प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखिएगा भाजपा आरएसएस के लोग क्या कर रहे, अब हम लोग सर्वे भी करा रहे तो भी उनको आपत्ति है। इधर उधर से कोर्ट में तो किसी को खड़ा करके कराता था विरोध, और अब बिहार भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है उनको खड़ा कर दिया गया था, एक एफिडेविट डाल भी दिया गया था खिलाफ में, लेकिन हम लोगों ने हंगामा मिटाया तो दोबारा उनको जो है बदलना पड़ा एफिडेविट। तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, ये भाजपा के लोग नहीं चाहते हैं इन लोगों को देखना, और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जो है मुख्य धारा में आए, सब लोगों को मौका मिले, प्रतिनिधित्व का भी मौका मिले, तो इस काम में हम लोग लगे। अब आप देखिएगा ऊंच नीच की हम लोग बात करें, असमानता गैर बराबरी की बात करें, गरीबी बेरोजगारी की बात करें, तो हम लोग को जातिवादी ठहरा दिया जाता है। आप बोलिए कोई ऊंच नीच क्यों होना चाहिए, सब लोग बराबर है, सब लोग इंसान का औलाद है, सब लोग इंसान है, सब लोगों को मान सम्मान एक तरीके से मिलना चाहिए, सब लोगों का मान सम्मान होना चाहिए। कुछ लोगों को मंदिर में जाने का प्रवेश है, कुछ लोगों को नहीं है, क्यों भाई? पहले क्या स्थिति हुआ करती थी, कुआं का पानी नहीं पी सकते, खटिया पे नहीं बैठ सकते, नया कपड़ा नहीं पहन सकते। अभी भी आप चले जाइए कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, शादी में दलित परिवार का लड़का अगर घोड़ी पे बैठता है तो मारा पीटी करके उसको भगा दिया जाता है। पुलिस के प्रोटेक्शन में आप देखिएगा पुलिस बुलाना पड़ता है तब जा करके बारात निकाली जाती है, आज भी ऐसी व्यवस्था है। तो ये बीजेपी के लोग फिर से वापस हम लोगों को ढकेलना चाहते हैं। जो जगदेव बाबूजी ने जो शहादत दी, जो सीख दी, जो प्रेरणा दी, जो लड़ने की ताकत दी, उसको ये मिटा देना चाहते हैं। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे पिछड़ा समाज हो, अकलियत के लोग हों, अति पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी, भाई सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और इनके वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम सब लोगों को जो है लड़ने की ज़रूरत है। अब ये लोग आप बताइए, ये लोग शादी जो अपने जात में करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, किस बात का डर है? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। हम लोग सबके बराबरी की बात करें, सबका मान सम्मान हो, ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। तो इनके डिज़ाइन को हम लोग सब लोग जो है समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और आप सब लोगों से यही अपील है कि आप सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पुराना व्यवस्था वापस लाने का काम करें। अभी हम लोगों ने देश भर में गठबंधन मनाया है, और उस गठबंधन का नाम जो है, नामकरण जो है इंडिया रखा गया है, और हमारा नारा है जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।